आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मैडम राइड्स द बस के शॉर्ट आंसर को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज ए गुड नेचर्ड जॉली फेलो, यानी हम ये कैसे कह सकते हैं कि कंडक्टर एक खुश मिजाज इंसान था। आंसर हो जाएगा, वी कैन से दैट कंडक्टर वॉज ए गुड नेचर्ड फेलो बिकॉज व्हेन वल्ली रिफ्यूज हिज हेल्प ही सेड जोकिंगली डोंट वरी विथ मी फाइन मैडम। यानी ये कह सकते हैं कि कंडक्टर एक खुशमिजाज इंसान था, क्योंकि जब वल्ली ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया था तब भी इसने जोकिंगली यानी हंसते हुए कहा था, डोंट एंग्री विथ मी मैडम, आप मुझसे गुस्सा ना हो, ये अच्छी मैडम, अच्छी वाली मैडम, आप हमसे गुस्सा ना हो। 8 साल की लड़की को इस तरह से इसने मजाकिया अल्फाज इस्तेमाल करके और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया था और वापस उसको घर तक पहुंचा दिया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कंडक्टर जो था वो बहुत अच्छा इंसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड, यानी वल्ली ने अपनी पहली बार बस राइड यानी बस पे यात्रा जो उसकी पहली मरतबा वो सफर कर रहा था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को उसने कैसे कलेक्ट किया था। तो आंसर हो जाएगा, वल्ली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम फेयर एंड डिस्टेंस फॉर हर फर्स्ट राइड फ्रॉम द पैसेंजर्स एंड हिज एंड हर नेबर्स। यानी वल्ली ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था किस चीज के बारे में, समय के बारे में, किराए के बारे में, दूरी के बारे में, अपने फर्स्ट बस राइड को लेकर के। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को इसने पैसेंजर्स से यानी आने वाले यात्रियों से, आने जाने वाले यात्रियों से और अपने पड़ोसियों से भी इसने इस चीज के बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3, What made वल्ली sad on her return journey? यानी वल्ली जो थी जब अपने सफर से वापस आ रही थी तो वो क्यों उदास हो गई थी। आंसर हो जाएगा, ऑन हर रिटर्न जर्नी वल्ली वॉज सैड बिकॉज सी सा अ डेड काउ लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड। यानी वल्ली किस लिए उदास हो गई थी जब लौट रही थी, तो क्योंकि उसने अपने लौटते हुए सफर में वल्ली उदास इसलिए हुई क्योंकि उसने एक डेड काउ देखी, मरी हुई गाय, लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, जो कि सड़क के बीचों बीच में पड़ी हुई थी। ये वो गाय थी जिसको देखकर वल्ली जाते समय खुश होकर के ताली लगा रही थी, क्योंकि जब ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था तो ये पूंछ उठा करके और तेजी से भाग रही थी, लेकिन लौटी जब तो उसने देखा कि वो गाय सड़क के बीचों बीच में मरी हुई पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वल्ली वाज, वल्ली किस तरह की लड़की थी। तो सिंपल बात है, वल्ली वाज बोल्ड, ब्रेव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिव गर्ल, सी वाज इनोसेंट एंड हाईली सेंसिटिव गर्ल। यानी वल्ली बहुत ही ज्यादा बहादुर थी, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान था। जैसे कुछ लोग होता है, मतलब आत्मसम्मान इसलिए कह सकते क्योंकि कंडक्टर ने जब कहा ये लो कोल्ड ड्रिंक पी लो, उसने सीधा मना कर दिया। जब कंडक्टर ने कहा लो मेरा हाथ पकड़ के चढ़ जाओ, उसने सीधा मना कर दिया, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट इसके अंदर था। सिवा जो सुनती मासूम थी, हाईली सेंसिटिव गर्ल, सेंसिटिव उसको कहते हैं जिससे किसी बातों का फर्क पड़े। जैसे इसमें आज के इस दौर में लोग कई किस्म के होते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बेहया, बेगैरत, बेशरम होते हैं, इनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होते, डांटो, मारो, गाली दो, बेइज्जत करो, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस लड़की को फर्क पड़ रहा था, इसलिए कह सकते हैं वल्ली जो थी बहुत सेंसिटिव गर्ल थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज वल्ली वॉन्ट टू राइड ऑन बस, अच्छा वल्ली बस राइड करना क्यों चाहती थी। तो वल्ली वॉन्ट्स टू राइड ऑन बस बिकॉज इट वॉज हर डीप डिजायर, यानी वल्ली बस यात्रा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसकी ये गहरी इच्छा थी। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट राइड, यानी वल्ली ने खिड़की से बाहर अपनी पहली बार बस यात्रा के दौरान क्या देखा। तो वल्ली सा ग्रीन बैंक ऑफ कैनाल, वल्ली ने एक हरा भरा नहर देखा, विद द पाम ट्री, जहां पर कुछ पाम ट्रीज थे, माउंटेन्स थी और ब्लू स्काई था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, ये क्वेश्चन में हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वल्ली की इच्छा क्या थी, बस राइड करना। वल्ली का चैप्टर का नाम क्या है, मैडम राइड्स द बस। मैडम उस लड़की का नाम किसने रखा, कंडक्टर ने। लड़की की उम्र कितनी थी, 8 साल की थी। इसका पूरा नाम क्या था, वलिया माई था। खैर ये एमसीक्यू में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एमसीक्यू में भी आप देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में बेसिकली हम शॉर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वॉज टू गो ऑन ए बस राइड, यानी वल्ली की गहरी इच्छा ये थी कि बस राइड करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, यानी वल्ली का पसंदीदा समय क्या था, मतलब अपने समय को कैसे व्यतीत करती थी। तो आंसर हो जाएगा, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ द हाउस एंड वॉच द मूविंग पैसेंजर। यानी वल्ली का पसंदीदा समय वो होता था जब वो अपने घर बाहर, मतलब घर के सबसे बाहर जो दरवाजा लगा था, उस दरवाजे के पास खड़ी होकर के वो आते जाते पैसेंजर और बसों को देखती थी, उसकी डीपेस्ट डिजायर थी। अच्छा मान लो ये आ जाए कि क्यों,
क्यों वो ऐसा करती थी? तो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसके कोई प्लेमेट्स नहीं थे, मतलब खेलने वाले साथी नहीं होते थे। तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या होता था कि दरवाजे के पास खड़ी होकर के वो आते जाते पैसेंजर्स और बस को देखे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, यानी वल्ली ने बस में पहुंचने के बाद क्या किया? आंसर हो जाएगा, सी गॉट इन टू द बस, यानी वो बस में गई एंड लुकड एट एवरीथिंग वेरी केयरफुली, बस में जाने के बाद वो हर चीजों को बहुत गौर से देख रही थी। एंड आफ्टर डैट, उसके बाद सी स्टूड अपॉन द सीट एंड लुक आउटसाइड, बस में जाने के बाद चढ़ी जब तो उसने बस को बहुत गौर से देखा, उसके सीट बहुत लग्जीरियस थे, एक घड़ी लगी हुई थी। उसके बाद क्या हुई कि वो सीट पर खड़ी हो गई और खड़े होकर बाहर देखा। खड़ी इसलिए हुई क्योंकि उसकी हाइट छोटी सी थी और देख नहीं पा रही थी, तो बस के पर्दे को नीचे करके वो झांक रही थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, यानी कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा था, इसके एग्जाम्पल आप बताइए। तो कंडक्टर वॉज मच फॉन्ड ऑफ जोकिंग, क्योंकि कंडक्टर जो था वो जोकिंग का, मतलब कह सकते हैं जोक मारने का या हंसने का शौकीन था। इट वॉज ओनली टू प्लीज हर, ये सिर्फ उसको खुश करने के लिए ही कॉल वल्ली मैडम, वल्ली को इसने मैडम कह के बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द कंडक्टर रिसीव वल्ली, कंडक्टर ने वल्ली को कैसे रिसीव किया? तो द कंडक्टर वॉज फनी पर्सन, कंडक्टर बहुत मजाकिया इंसान था। ही बिहेव्ड वेरी वेल विथ वल्ली, उसने वल्ली से बहुत अच्छा बर्ताव किया। सी गाइडेड हिम ऑन द वे, और उसने उसको रास्ते में गाइड किया, और वल्ली के इशारे पर उसने बस भी रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट आपका है, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस राइड, यानी वल्ली ने अपने बस राइड के लिए पैसे कैसे बचाए? वल्ली सेव्ड मनी फॉर हिज बस राइड बस टिकट बाय स्टॉपिंग हरसेल्फ टू बाय बैलून्स एंड टॉयज ईटीसी, यानी वल्ली ने अपने पैसे बस टिकट के लिए अपने आप को रोक दिया, किन चीजों को करने से? खिलौने खरीदने से और गुब्बारे खरीदने से। देखिए बाबू, अगर चैप्टर आपने बहुत बेहतर से पढ़ा है तो ये चैप्टर और इसके क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजी हो जाएंगे, और चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो उसकी भी वीडियो आपको क्लास 10th इंग्लिश प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिसके लिए करना क्या है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।